हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि DPSP। ये जो है, मतलब कि इन्हें हम फंडामेंटल राइट्स से रिलेट कर सकते हैं। मतलब ये पूरी, ये जो है वो देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो चाहते थे कि हर इंडियन को एक बहुत ही अच्छी लाइफ जीने को मिले। अब बात यह है कि कुछ राइट्स तो हमारे पास ऐसे थे जिनको एकदम कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग रख सकते थे, उनकी वायोलेशन के लिए हम कोर्ट पे जा सकते हैं। पर ये जो DPSP हैं, वो ऐसे राइट हैं जिन्हें लॉज बनाते समय स्टेट को अपने ध्यान में रखने हैं, पर इसके लिए हम कोर्ट में एनफोर्समेंट के लिए नहीं जा सकते। पर ऐसा नहीं है कि एनफोर्स नहीं हो सकते, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इनको बनाने के पीछे भी यही उद्देश्य है कि एक बहुत अच्छी जीवन जो है वो हर सिटीज़न को मिल सके। तो DPSP जो हैं वो हमारे यहाँ आर्टिकल 36 से 51 तक हैं। पर मैं आपको ये कहते हैं, हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से डिवाइड नहीं किया गया है, पर ये अलग अलग आइडियल्स को लेके चलते हुए आए हैं। तो इस आइडियल्स को लेते हुए DPSP को तीन भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें सोशलिस्टिक प्रिंसिपल आ जाते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल आ जाते हैं, लिबरल पॉलिसी वाले आ जाते हैं। सो इसमें जो तीन हेड्स पर डिवाइड किया, मैं आपको उन पार्ट्स वाइज समझाती हूँ। सबसे पहले है हमारा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं, उसमें पहला है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 कहता है कि जो पीपल है उनके वेलफेयर को प्रमोट किया जाए और एक सोशल ऑर्डर सिक्योर किया जाए जस्टिस के थ्रू, जो कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल तीनों तरह का होना चाहिए, ताकि जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनकम की, स्टेटस की, फैसिलिटी की, अपॉर्चुनिटी की, ये कम से कम हो सके। अब हमारा पहला राइट पढ़ते ही हमें ये तो समझ में आ रहा है कि ये हम कोर्ट में इसके को क्यों हम लोग एनफोर्स नहीं करा सकते, क्योंकि स्टेट के पास भी यही प्रॉब्लम आएगी कि वो कैसे इन्हें एनफोर्स करे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को जो स्टेटस है या इनकम है, इनको हम लोग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कर सकते हैं, पर सबके वर्क अलग हैं, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हैं, यहाँ तक कि वर्क हैं भी नहीं बहुत सी जगह, तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन तब भी जब लॉस बने, तब स्टेट को तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो फैक्टर्स हैं जो जिनसे इनइक्वालिटी हो सकती है, उनको मिनिमाइज़ किया जाए। इसलिए ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनको इस टाइप से बनाया गया है कि इनको एनफोर्स तो नहीं कराया जा सकता, लेकिन हाँ, ये इम्पॉर्टेंट बहुत है, स्टेट को हमेशा लॉ बनाते समय अपने ध्यान में रखने हैं। और ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फंडामेंटल राइट्स से इंटरकनेक्टेड भी हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 38 तो हो गया, देन आर्टिकल 39, जिसमें सिटीजन्स के लिए सिक्योर किया गया है एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, देन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, देन प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब सीधे सी बात है, अब टाटा, बिरला, अंबानी, ये लोग ये इतने मतलब मनी के व्यू से देखें, फाइनेंशियल व्यू से देखें, तो ये बहुत ही अमीर हैं। सो ये अमीर है तो अपने काम के थ्रू हैं, लेकिन इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि उनको उनके बराबर स्टेटस सबका हो, पर हम ये भी नहीं कह सकते कि जो कम वाले लोग हैं, मतलब जो थोड़ी गरीब हैं, पुअर कैटेगरी के हैं, वो बहुत गरीब रह जाए। इसलिए इक्विटेबल जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, उसको एकदम से तो ख़त्म कर नहीं पाएंगे, पर हाँ, उसे कम से कम करना है, प्रिवेंट करना है कि ना हो, ये सारे जो प्रोविजन से इसलिए ऐसे रखे गए। देन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ एंड ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिएबल अब्यूज, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थियर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये आर्टिकल 39 के थ्रू हर सिटीजन के लिए सिक्योर किया गया था। आर्टिकल 39A में इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड पुअर के लिए प्रमोट किया जाए, ये है। आर्टिकल 41 में अगर जो अनएम्प्लॉयमेंट जैसे केस आते हैं, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट या ऐसा कोई भी केस आता है, तो उन केसेस में, यानी उन लोगों के लिए जो राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस है, वो प्रोवाइड करना। आर्टिकल 42 में ये है कि जो प्रोविजंस हैं
जस्ट और ह्यूमन कंडीशन के लिए, ताकि जो वर्क है उसमें जस्ट और ह्यूमन कंडीशन बनी रहे, मानवता के अनुरूप ही काम किया जाए, मैटरनिटी रिलीफ की भी प्रावधान रखा जाए। आर्टिकल 43 में है कि जो लिविंग वेज है वो मिले, जो कि डिसेंट स्टैंडर्ड की लिविंग मतलब कि जो लाइफ स्टाइल है वो प्रोवाइड की जा सके, और जो वर्कर्स हैं उनको सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटी मिल सके। देन आर्टिकल 43 ए में जो वर्कर्स हैं उनके पार्टिसिपेशन और मैनेजमेंट के लिए स्टेप्स लिए जाएं। देन आर्टिकल 47 में जो न्यूट्रिशन का लेवल है वो बढ़ाया जाए, और जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको भी उसके में भी सुधार किया जाए, इंक्लूडिंग पब्लिक हेल्थ। देन आते हैं ये तो हो गए हमारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। देन आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल, जिसमें आर्टिकल 40 है कि जो विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन हो, और उसमें नेसेसरी पावर और अथॉरिटी जो है मिले ताकि उन यूनिट्स को, ताकि वो सेल्फ गवर्नमेंट गवर्नेंस जो है उसको उनको मिल सके, मतलब वो सेल्फ गवर्नमेंट बना सकें। देन आर्टिकल 43 में कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए इंडिविजुअल और कॉपरेशन लेवल पे रूरल एरियाज़ में बेसिस पे। देन आर्टिकल 43 बी पे जो वॉलेंट्री फॉर्मेशन है या ऑटोनोमस फंक्शनिंग है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है कॉपरेटिव सोसाइटी की, वो प्रमोट की जाए। आर्टिकल 46 में एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है ST ST और अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के प्रमोट किए जाएँ, और उन लोगों के लिए सोशल जस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन उन्हें मिल सके। आर्टिकल 47 में जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं, ड्रग्स हैं, उनके जो हेल्थ के लिए इंजूरियंस हैं, उनके इंजूरियस हैं, उनके कंजप्शन पर रोक लगाई जा सके। आर्टिकल 48 में जो काउस हैं, कैल्व्स हैं, और जो मिल्च हैं, ड्रॉट कैटल हैं, इन सब के जो ब्रीड्स हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके और उनका स्लॉटर रोका जा सके। फिर आते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, जिसमें आर्टिकल 44 है, जिसमें हर सिटीज़न को यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोवाइड किया जाए, सिक्योर किया जाए पूरे कंट्री में। आर्टिकल 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन हर बच्चे को जब तक कि वो 6 साल का नहीं हो जाता। आर्टिकल 48 में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस पे ऑर्गेनाइज किया जाए। आर्टिकल 49 में जो मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट के, उनको नेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर किया जाए और उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। आर्टिकल 50 में अलग से सेपरेट किया जाए जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को पब्लिक सर्विस में स्टेट के। देन है आर्टिकल 51, जिसमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन की जाए, प्रमोट की जाए, और ऑनरेबल और जस्ट रिलेशन जो है वो देशों के बीच में बनाए जा सके। अब सीधे सी बात है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में वो जस्ट रिलेशन नहीं बन पा रहे, और वहीं इंडिया और अमेरिका के बीच में बहुत हद तक बने हुए हैं। तो इन जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ध्यान में रखना है हर लॉ बनाते हुए, लेकिन इनको हम एनफोर्स नहीं करा सकते। देन जो इंटरनेशनल लॉ है उसकी रिस्पेक्ट की जाए, और जो ट्रीटी की ऑब्लिगेशन है उनका भी पूरी तरह सम्मान किया जाए, उनको भी अपनाया जाए, उनको निभाया जाए। फिर जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट हैं उन्हें आर्बिट्रेशन यानी कि समझौता के बलबूते जो है सेटलमेंट की जाए, उस टाइप के सेटलमेंट को इनक्रेज किया जाए ताकि हिंसा ना हो। ये सारे हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।